पावन और मन भावन त्योहारों की अनुपम सौगात यानी विकास ज्वेलर्स की तरफ से आपके लिए ढेर सारे आकर्षक उपहारों की जबरदस्त बरसात। हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने व चांदी के बेहतरीन आभूषणों का सबसे अनोखा स्पर्श विकास ज्वेलर्स। तो इन त्योहारों के मौसम को और भी यादगार बनाइए, विकास ज्वेलर्स में आइए और सोने के आभूषणों की प्रत्येक ग्राम की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर पूरे 100 रुपए की आकर्षक छूट पाइए। रिश्ता ये अपनेपन का रहे सदा ही अटूट। सोने के आभूषणों के वजन के बराबर ले जाएं चांदी के सुंदर व चमकदार गहने, जी हाँ बिल्कुल मुफ्त। भविष्य के सुंदर सपनों को सजाने की आप करें आज से ही शुरुआत, क्योंकि विकास ज्वेलर्स की मेंबरशिप स्कीम में है बस लाभ ही लाभ। विश्वास के सर्वोत्तम 10 वर्ष विकास ज्वेलर्स, श्रीलेदर्स के बगल में, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958, 94313-01963। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे बच्चों एवं महिलाओं को इमरजेंसी सेवा दी जाती है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ओपीडी की सेवा, वातानुकूलित वार्ड में भर्ती होने की सुविधा, नर्सरी एवं वेंटिलेटर की सुविधा, पेडेट्रिक आईसीयू की सुविधा, गर्भवती महिलाओं की रूटीन चेकअप की सुविधा, सभी प्रकार के स्त्री रोगों का ऑपरेशन हाई टेक्नोलॉजी पद्धति से किया जाता है, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा। हमारे यहाँ 24 घंटे पैथ लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी की सुविधा भी है। निसंतान दंपतियों के लिए एक खुशखबरी, अब आपके शहर जमशेदपुर में खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सुविधाओं से संपन्न ज्योति आईवीएफ सेंटर। अब आपको नहीं सहना पड़ेगा निसंतान होने का दुख। ज्योति आईवीएफ सेंटर जो देता है आपके घर में खुशियों को जन्म। ज्योति आईवीएफ सेंटर, जहां स्वच्छ और सुंदर वातावरण में सर्वोत्तम और सुरक्षित इलाज होता है। यहां क्रायोप्रिजर्वेशन, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, डोनर सर्विसेज, आईयूआई, आईवीएफ, आईसीएसआई, डिलीवरी फैसिलिटी और नर्सरी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। निसंतान दंपति तुरंत संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, चंद्रा सेंटर, नियर सागर होटल, कालीमाटी रोड, साक्ची, जमशेदपुर। नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी, सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद। जमशेदपुर स्थित एसएसपी कार्यालय पर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर स्थित विमेंस कॉलेज में 2 दिवसीय बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 28 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। खबरों विस्तार से और खबरों की शुरुआत करते हैं पूर्वी सिंहभूम जिला से। जमशेदपुर के आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एमजीएम थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब को जब्त किया है। यह छापेमारी एमजीएम थाना क्षेत्र के छोटा बांकी इलाके में किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब व शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इसमें 6000 लीटर महुआ, 400 लीटर जावा महुआ, साथ ही 30 ड्राम और शराब बनाने कई अन्य सामानों को भी बरामद किया गया है। हालांकि इसका संचालन रामू महतो व लखमन महतो के द्वारा किया जाता था, जो मौके से फरार होने में सफल रहे। वैसे विभाग द्वारा आगे भी लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। श्यामसराज एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बांकी गांव में अवस्थित अवैध शराब चूल्हा अड्डे पर हम लोग छापामारी किए गए, जिसमें 3-6 चूल्हा
और कम से कम 30 ड्रम 6000 केजी जावा मोगा 40 लीटर चुलाई शराब बरामद हुआ। अभियुक्त फरार है रामू महतो और लक्ष्मण महतो, इन्हीं दोनों का शराब का व्यवहार अड्डा चलता था, उस पर छापामारी की गई। पूर्व में भी इस पर छापामारी की गई है, इस पर फरारी केस दर्ज किया जा रहा है। जमशेदपुर में विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। एसएसपी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, पहली जनवरी को जुबली पार्क में छात्रों एवं पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट की घटना घटी थी, बाद में बिष्टुपुर थाना में आपस में समझौता हो गया था। ज्ञापन में यह भी कहा गया है, 2 जनवरी को सिक्योरिटी गार्डों ने कोऑपरेटिव कॉलेज एवं लॉ कॉलेज में जबरन घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। ज्ञापन में दोषी सिक्योरिटी गार्डों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इधर छात्र नेता धर्मेंद्र कुमार ने मामले के संबंध में जानकारी दी। जो घटना घटी थी जुबली पार्क में पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, वो हम लोग एक 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 तारीख की घटना नहीं है, ये आए दिन प्राय सिक्योरिटी पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पब्लिक को डराना धमकाना, अपने बदन और ताकत का दुरुपयोग करना, और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ कहीं बैठ के या कहीं कोई बात भी करते उनको भी डराते हैं, उनका फोटो लेना, और शराब पीकर आम पब्लिक को बीच रोड में कहीं भी सजाना, किसी की गाड़ी के पेपर चेक करना, उनको प्रशासन ने ये अथॉरिटी नहीं दिया है। ठीक है, आप प्रशासन के लोग साथ में घूम रहे हैं, पर प्रशासन की एक्टिविटीज़ को प्रशासन को दरकिनार करके उन लोग एक दूसरे पब्लिक को आम पब्लिक को भी तताते हैं। इधर बायोटेक्नोलॉजी पर जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शनिवार को समापन हो गया। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के द्वारा 2 दिवसीय बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में भारत के विभिन्न प्रांतों से 200 से अधिक छात्र देश विदेश से आए प्रोफेसरों के विचार से अवगत हुए। पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए धनबाद के चिकित्सक मतीन अहमद खान ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में छात्राओं को कम जानकारी होने के कारण वे इस फील्ड में अपना भविष्य नहीं समझ पा रही हैं। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों से इनमें इस विषय में रुचि बढ़ेगी और बायोटेक्नोलॉजी में छात्राएं अपना भविष्य बना सकेंगी। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाली छात्राओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई जानकारी प्राप्त हुई है। और अभी का जो साइंस है, साइंस अभी पिरामिड के जैसे जा रहा है, ऊपर में डिफरेंसेस ब्लर हो जा रहे हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग एस्पेक्ट के भी लोग बात करेंगे, जैसे अभी बात हो रही है एग्रीकल्चर की टॉपिक है, ये एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है, पानी की बात हो रही है, तो वो और मेडिकल साइंस जुड़ जा रहा है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से कॉमन है, तो वहाँ हम तो सिर्फ एक अप्रोच है कि भाई सरकार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ऐसे घोषणा पकड़ना, यही सब होता है, किसी को पता नहीं कि वो वहाँ पे होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि पुलिस ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि एक रखा रहा है किट, कम से कम स्टार्ट हो जाना है एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरी बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला है, मैं बायोटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, सो यहाँ पे इतने कुछ नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे जो हमारे इंडिया में है, तो इंडिया में हम लोग इन सर जो भी हम लोग के इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं वो सारे जो हम लोग को बता रहे हैं उनका लेवल बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में हमेशा कहा जाता है कि बायो का स्कोप नहीं है, बायो मतलब सिर्फ एक डॉक्टर होना है तो मेडिकल करना है तो बायो बस इतना था कि सीमित है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना में ही बायो का एक लिमिटेशन है, बायो का भी बहुत स्कोप है। अभी हम लोग बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, तो एक है कि हम लोग भी एक रिसर्च स्कॉलर एक रिनाउंड पर्सन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बायो लिए मेडिकल नहीं निकला तो मतलब हम लोग उसमें और कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में एक 28 वर्षीय व्यक्ति विकास कुमार सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है मृतक घर में अकेले था और परिवार के लोग बिहार अपने पैतृक गांव गए हुए थे। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। इधर आसपास के लोगों ने परिवार वालों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन कर रही है। बस्ती है, लड़का का नाम विकास सिंह है, वो गैस कटर का काम करता है और अंदर के क्या मैटर है तो हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन सवेरे में कोई इसको 5 बजे भोर में देखा गया है ठीक ठाक, 5 बजे के बाद यह घटना हुई। क्या देखा है, कौन देखा, क्या क्या है? एक महिला है बस्ती का ही। नहीं, क्या देखा है? हाँ, यहाँ पर वो मुन्ना देखा है, उसका मोबाइल में फ़ोन आया है
उसका पत्नी का जो लड़का फांसी लगाया उसका पत्नी का फोन आया क्या गांव में है क्या गांव में है कि थोड़ा मेरा हस्बैंड से बात कराइए। वो लड़का आया बात कराने के लिए तो इस तरीके का देखा कि वो तो फांसी लगाया हुआ है तो अगल बगल को सबको सूचना दिया। उसके बाद मेरे को भी बुलाया गया तो हम थाना को सूचना दिए। वहीं जमशेदपुर के मानगो दाईगुट्टू धोबी लाइन में एक होटल के अंदर शरारती तत्वों ने आग की चिंगारी फेंक दी जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जाता है शुक्रवार की देर रात दाईगुट्टू धोबी लाइन में भाड़े के होटल में शरारती तत्वों ने आग की चिंगारी फेंक दी। होटल के अंदर गैस सिलेंडर रखा था पर आग सिलेंडर में नहीं लग सका जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। शरारती तत्वों ने जाते समय होटल के बाहर खड़े ठेले में भी आग लगा दी। इधर हादसे के संबंध में होटल की मालकिन उषा देवी ने जानकारी देते हुए बताया इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। होटल है तो किसी से बकझक हुआ वो अलग बात है लेकिन जो भी ये किया है हम लोग का पूरा शक है कि बस्ती का ही कोई लड़का है। क्या घटना क्या हुआ आपके? घटना यही हुआ कि देखिए वो ठेला यहाँ लगा हुआ था, कल भी थोड़ा सा पुआल उस पर जलाया था लेकिन हम लोग उसको छोटा मोटा बात समझ करके छोड़ दिए। और रात में क्या किया, अढ़ाई से तीन बजे के बीच में इसका पूरा ठेला में आग लगा दिया। हम लोग जब 3 बजे बाहर निकले, हल्ला हुआ तो निकले तो देखे पूरा ठेला जला दिया। दुकान मेरा बंद था, बाहर से लॉक था, रेंट में बाहर रहता दूसरे जगह लेकिन हम दुकान दिए तो हम लोग जब सुबह दुकान खोले तो देख रहे हैं कि इसका गैस का चूल्हा में जो तेल चढ़ा हुआ था इतना आग जला करके उस पर डाला हुआ पेक वेंटिलेटर से डाल दिया। हाँ, वहाँ बगल में दो दो सिलेंडर है, वो तो भगवान का भरोसा कि हम लोग सब बच गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Mittal Craft Construction Promoters and Developers for Real Estate पेश करते हैं Emirates Apartment, आपके ख्वाबों का आशियाना अब आपके पास। 2BHK एंड 3BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक। तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117780 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नजारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस, हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो जवाहर नगर। आर ऑफिस एड्रेस, मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12KD फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931117780 एंड 9771487336। लैंडलाइन नंबर 0657230013। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश कार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिलकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेसिलाम किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोई साफल्य पाई नहीं। जब থেকে মহাদেব বাবুর কাছে গেছি তব থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ হয়েছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। মেরে বচ্চে কা পড়াই মে মন নহি লাগতা থা, শ্রী মহাদেব জি কে পরামর্শ কে বাদ আজ মেরা বচ্চা আচ্ছে নম্বরো সে পাস হো রাহা হ্যায়। মহাদেব জি সে মিলে অর সবি পরেশানিয়ো সে নিজাত পায়। মিলনে কে লিয়ে সম্পর্ক করেন জেমকো, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी, मोबाइल नंबर 9874826809430, 9430715730, 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर से मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा की ओर से कैंसर दिवस पर जागरूकता रथ रवाना किया गया, जहां सिटी DSP ने इस रथ को रवाना किया। कैंसर दिवस पर रवाना हुआ रथ एक सप्ताह तक पूरे शहर में भ्रमण करेगा, ताकि लोग कैंसर जैसे घातक बीमारी से किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, नशा से दूर होकर किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होगी। जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वे इससे किस प्रकार बच सकते हैं। वहीं इस दौरान सिटी DSP ने रथ को रवाना कर लोगों को संबोधित किया। बहुत ज़्यादा थकान लगी बड़ी युवा मोर्चा झारखंड जमशेदपुर शहर के स्टील सिटी के सार्थक प्रयासों के और उनके पहल से आज एक वैन शुरू की गई है, जो एक
पूरे हफ्ते तक कैंसर के बारे में प्रचार करेगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ताकि जितने भी अर्ली सिम्टम्स कैंसर के उनका जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो पाए और लोगों की जानें बच पाएँ, इसके लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इन सब के लिए पूरे जमशेदपुर शहर की तरफ से और जमशेदपुर पुलिस की तरफ से हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में 25वां एशियन एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कई प्रस्ताव पारित कर लोगों को गुमराह करने वाले ज्योतिषों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर में चल रहे एशियन एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस में कई बिंदुओं पर देश विदेश से आए एस्ट्रोलॉजरों ने विचार विमर्श किया। मीडिया से बात करते हुए रायपुर से आए महेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि 21वीं सदी में अब एडवांस एस्ट्रोलॉजिस्ट ज्ञान पर रिसर्च किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से आई एस्ट्रोलॉजर हेमू यदू ने भी अपने विचार रखे। तो ज्योतिष को हम इस स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं जो प्राचीन काल में था, और ज्योतिष इतनी एडवांस विद्या है कि हम अगर सही ढंग से काम हो ज्योतिष में तो प्रत्येक घटना को तारीख और घंटा वार भी बताया जा सकता है, मिनट वार भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में ये घटना होगी। हम उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं। ज्योतिष के नाम पे जो धंधा हो रहा है, धंधा नहीं धंधेबाजी कहूँगा, जो 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 गलत कर रहे हैं, जो ठगे वाले, वो बंद होना चाहिए और सही ज्योतिष सामने आए, वो प्रेडिक्शन दे, सही बात बताए, लोगों का सही कल्याण करें। इसमें पूरी 12 राशियां सामने उभर के आई है। ये सांकेतिक राशि है, विश्व की एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिस पर अमेरिका, रशिया, जापान, डेनमार्क, फ्रांस आदि के वहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर आर्कियोलॉजिस्ट है वो आकर छत्तीसगढ़ में इनका रिसर्च किया है इस मूर्ति का। और उसके बाद इन्होंने अलग अलग नामकरण किया है, लेकिन सबसे करीब का नामकरण मेरा है। मैंने उसे ज्योतिष के आधार पर इसको अध्ययन करने के बाद यह मैंने बताया कि यह मूर्ति कालपुरुष की है। कालपुरुष मूर्ति इसलिए है कि मनुष्य के शरीर में 12 राशियाँ होती है, जो राशि उनको सूट करती है शरीर का वह भाग पुष्ट होता है। वहीं जमशेदपुर के बाराद्वारी स्थित परती जमीन मामले की जांच सीताराम डेरा पुलिस ने शुरू कर दी है। इस मामले के संबंध में सीताराम डेरा थाना प्रभारी का कहना है टाटा लीज की जमीन पर 4 तल्ला मकान बनाने के लिए नक्शा की स्वीकृति जेएनएससी से मिली है, जबकि दूसरे पक्ष विश्वकर्मा समाज का आरोप है विश्वकर्मा समाज की परती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी को विवादित जमीन की नापी कराने के लिए पत्र लिखा गया है। दूसरी तरफ बिल्डर जेपी सिंह का कहना है पारित नक्शे के अनुसार 4 मंजिले भवन का निर्माण किया जाएगा, कुछ लोग सार्वजनिक जमीन घेरने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल उनका जो है पक्ष बिल्कुल गलत है। हम जो नक्शा पास हुआ है जेएनएससी के द्वारा, हम सिर्फ उसी जमीन पर काम करना चाहते हैं और जिस तरह से नक्शा है हम उसको डेविएट नहीं करना चाहते हैं, समझे ना। और रही बात कि उन लोगों का ये जमीन जो खाली जमीन है, जो बस्ती वासियों के लिए एकमात्र जगह है, उसमें वो लोग कोई भी शादी विवाह सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसको वो लोग चंद 2-4 लोग अपने स्वार्थ के लिए घेरना चाहते हैं। और हमारा उसमें उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा जिस तरह से नक्शा पास जेएनएससी करके दिए हुए है, हम सिर्फ उसी नक्शे पर और उसी जमीन पर काम करना चाहते हैं। बाराद्वारी में एक जमीन है जी, जिस जमीन पर टाटा के द्वारा उनको लीज दी गई है और उस लीज एरिया पर इनके द्वारा जेएनएससी के द्वारा G+4 बिल्डिंग का बनाने का नक्शा पारित किया गया है जी। वहीं दूसरे पक्ष जो है वो प्रजापति समाज के जो लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि वो जमीन हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है और ये इनको जो लीज एरिया दिया गया उससे ज़्यादा एरिया पे ये निर्माण कार्य इनके द्वारा शुरू कराया गया जी। तो इस तरीके के विरोध के कारण इन दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। अयोध्या जमशेदपुर के परसोडी स्थित सदर अस्पताल के एम्बुलेंस को कुछ शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। एम्बुलेंस चालक के अनुसार वे मरीज को लेकर MGM अस्पताल आए, फिर पुनः मरीज को अस्पताल छोड़कर सदर अस्पताल लौट रहे थे कि स्टेशन के करीब नशे में धुत स्कूटी सवार 4 युवकों ने पहले चालक से बदतमीजी की, फिर अंधाधुंध एम्बुलेंस पर पथराव कर दिया, जहां चालक ने युवक के स्कूटी का नंबर नोट कर इस संबंध में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। पता
करके आ रहे थे MGM से, स्टेशन पूरा जाम था, तो स्टेशन जो डाउन है सब्जी मार्केट, वहाँ से हम आ रहे थे, तो एक बैग एक लड़का, मैंने जाम था तो हम आस्ते आस्ते आ ही रहे थे, एक बैग एक लड़का आया मेरा बगल में आके गाली गलौज करने लगा, पिया हुआ भी था, बच्चा लड़का है, ज़्यादा एज भी नहीं है, 15-16 साल का हो, हम बोले अरे गाली काहे दे रहा, तो बोलता आगे आओ बताएंगे, तो इसे चार लड़का मेरे को दोनों तरफ से घेरने लगा तो हम गाड़ी काहे रोकने गए, हम बोले चलो हॉस्पिटल, तो फिर वो लोग कहाँ से दोनों तरफ से घेर रहा था, तो हम तो गाड़ी दबा के ही आ रहे थे, तो एक ही बैग पत्थर मार दिया वो लोग, तब आवाज़ आया कि ग्लास फूट गया मेरा, तो हम सीधा थाना ले गए। अयोध्या पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका के पूर्व जिला पार्षद करुणा में मंडल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल DDC से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। DDC को सौंपे गए ज्ञापन में आसन बनी की मुखिया मालती टुड्डू का कहना है उनके खिलाफ दो विषयों के आधार पर जिला स्तरीय जांच टीम उनसे बयान लिए बिना उनके खिलाफ कार्रवाई कर पदमुक्त करने की अनुशंसा की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर पोटका प्रखंड के पूर्व जिला पार्षद करुणा में मंडल ने मामले के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। ये मामला है पोटका प्रखंड का आसन बनी पंचायत का, वहाँ के मुखिया जो मालती टुड्डू जी हैं जो मेरे साथ में आए हुए हैं, उनके ऊपर दो विषय में मैंने गलत आरोप लगाया गया है। उनके ऊपर में एक जो है ये शौचालय निर्माण में लापरवाही करने का जो आरोप लगाया गया है, उसके विषय में भी उन्होंने मैंने खंडन दिए हैं। चूँकि जो मैंने PhD विभाग का जो JEE है लोपो देवगम जी, वो जिस समय इनको बोले थे कि नहीं आप पंचायत का सूची दे दीजिए लाभुक का, तो इन्होंने उसी समय उनको 17-8-2016 को ही सूची दे चुके हैं, उस सूची में रिसीविंग भी है उनका, उसके बावजूद ये इनके ऊपर आरोप लगाना कि शौचालय निर्माण में आप लापरवाही कर रहे हैं, एक गलत बात है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वही कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा, लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। शिक्षा, नौकरी, व्यापार या घरेलू समस्याएं, अब है हर समस्या का समाधान प्रसिद्ध हस्तरेखा और वास्तुशास्त्र के ज्ञाता एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास। कई पुरस्कारों से सम्मानित एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय, जिनके पास है 25 वर्षों का अनुभव, आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करेंगे 100% गारंटी के साथ। 25 साल से अनुभव से हम ज्योतिष विद्या जमशेदपुर में कर रहे हैं, और सारे लोग जमशेदपुर हो चाहे बाहर के भी हो, हमने 100% गारंटी के साथ फायदा देते हैं। तो आइए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर तपन रॉय के पास और हो जाइए टेंशन फ्री। बहुत दिन से ही मिल रही हूँ, और जब से मिल रही हूँ बहुत ही फायदा हुआ है, और मैं फिजिकली एंड पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन इनके पास आके मुझे बहुत रिलीफ हुआ है, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से। पता, आकाशदीप प्लाजा, शॉप नंबर 145, ग्राउंड फ्लोर, गोलमुरी, जमशेदपुर। मिलने का समय शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9934182433 और 9431303
1161। मैं शंभु चौधरी तमाम मानगो वासी एवं जुतसलाई नगरवासी सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि विगत वर्षों से जो आसू पार्टी की नेतृत्व में हम लोगों ने नगर निगम बनाने की मांग को लेकर एवं तीसरे मत के अधिकार को लेकर लड़ाई जो लड़ा था, विगत दिनों 19 तारीख की रात 12 बजे मानगो को नगर निगम, जुतसलाई को नगर परिषद बनाने की सरकार ने निर्णय किया है, जिसको लेकर मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि विगत वर्षों से जो हमारी लड़ाई चल रही थी वो मानगो की जनता 3 लाख जनता की लड़ाई थी और मानगो नगर निगम बन चुका है। तमाम मानगो वासियों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र से निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति महिला को चुनाव जिताकर भेजें ताकि इस क्षेत्र के मानगो की विकास चौतरफा हो सके। मानगो में मानगो की जनता की जो सरकार बने उन निष्ठावान और ईमानदार व्यक्तियों का बने। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी हाँ, टॉट्स गार्डन। टॉट्स गार्डन स्कूल अपने प्ले वे मेथड द्वारा आपके बच्चों को शिक्षा जगत में इतना मजबूत बनाता है कि उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं हो सकता। टॉट्स गार्डन, अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट दैट स्पेल्स कॉन्फिडेंस। टॉट्स गार्डन, अ नेम ऑफ एक्सलेंस इन एजुकेशन, इन द मोस्ट एडमायर्ड एंड ट्रस्टेड नेम इन सिटी जमशेदपुर विद स्ट्रॉन्ग बेस। वी सेलिब्रेट टेबल मैनर्स डे, फैशन शो, एनिमल बैंड डे, सेव अर्थ एटसेट्रा, Seduction, well decor, teacher and students ratio 1:10 to bring out the dormant potential in your child, close monitoring by CC camera, easy accessibility, audio visual teaching method, walk into feel quality, walk out with trust. Hamara pata, Dimna Road, Mango, old check post beside Dainik Jagran. फोन नंबर 0657-320-4119। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात जमशेदपुर शहर की। 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र पर कब्जा करने के मामले में जेएमएम नेता बाबर खान को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। न्यायालय परिसर में न्यायालय के फैसले के बाद जेएमएम के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर दोष मुक्त होने के बाद बाबर खान ने कहा, न्यायालय के फैसले का वे सम्मान करते हैं। गांधी मैदान बूथ नंबर 236 का पार्लियामेंट चुनाव हो रहा था और उसमें हमारे प्रत्याशी सुमन महतो जी थी और विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा जी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दरमियान में एक न्यूज़ ये भी आया हमारे पोलिंग एजेंट के द्वारा कि कुछ असामाजिक तत्व बूथ को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हम वहाँ जब पहुँचते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन एक षडयंत्र के तहत हमको ही बूथ लुटेरा करार दे करके हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस मुकदमे के आधार पर हमारे ऊपर सी सी एक्ट भी लगाया जाता है और सी सी एक्ट के आधार पर हम 4 महीना कस्टडी रहते हैं और उसके बाद केस ट्रायल में चलता रहता है। आज इस केस का जजमेंट अभिमन्यु कुमार के कोर्ट से आया है और हमको सारे आरोपों से बाइज्जत बरी की गई है। अयोध्या जमशेदपुर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 सूत्री मांगों के समर्थन में जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी नेता फिरोज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में 2 सूत्री मांग पत्र एसएसपी को सौंपा गया। इधर फिरोज खान ने बताया, 2 सूत्री मांग पत्र में नशाखोरी पर अंकुश लगाने तथा थाना को दलालों के चंगुल से मुक्त कराने की बात शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जमशेदपुर एसएसपी साहब को 2 सूत्री मांग पत्र हम देने आए हैं। एसएसपी साहब तो ईमानदार है, सीटीएसपी ईमानदार है, डीसी ईमानदार है, लेकिन कुछ थाना प्रभारी दलालों के चंगुल में कसे हुए हैं। थाना प्रभारी कोई भी हो, थाना प्रभारी वो जमशेदपुर नागरिकों का सेवा करने के लिए बैठे हैं। अगर इसको बंद नहीं किया गया, अविलंब नहीं बंद कर दिया गया, तो जमशेदपुर मुख्यमंत्री का शहर है, जमशेदपुर आपका सरुराय का शहर, जो मंत्री खाद्य मंत्री है, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री का शहर होने के बाद भी आज क्राइम चरम सीमा पर है। अयोध्या जमशेदपुर शहर में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष नंदजी प्रसाद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी से मुलाकात की।
इधर नंद जी प्रसाद का कहना है रानी कुदर SBI बैंक के पास बोलेरो गाड़ी की चोरी 3 महीने पहले हुई थी, पुनः उसी स्थान से 29 जनवरी को दूसरी बोलेरो की चोरी हो गई है। उन्होंने कहा SSP से आग्रह किया गया है चोरी की घटना का शीघ्र उद्भेदन किया जाए। ये रानी कुदर स्टेट बैंक के समीप में पिछले 3 महीना पहले फोटोकॉपियां ले आकर एक बोलेरो पिकअप वैन हुआ था। हम लोग स्थानीय प्रशासन और थाना को सूचना दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और सेम प्लेस से सेम मालिक का सेम वही दूसरा बोलेरो पिकअप भेद फिर 29 जनवरी को चोरी हुआ और अभी तक कोई उसमें कार्रवाई और या कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उसी के लिए हम लोग आए हैं आज SSP साहब के पास में कि इसको एक टीम बनाकर आप इसका गहन चिंतन करें। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई गौरीशंकर रोड स्थित खड़गेश्वर धाम मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 बाबा रामगिरी जी के 39वें पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 5 फरवरी से होने जा रहा है, जिसका समापन 8 फरवरी को होगा, जहां 5 फरवरी से रामचरित मानस के अखंड पाठ, 6 फरवरी को रात्रि जागरण, 7 फरवरी को अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जहाँ बुधवार 8 फरवरी को विशाल भंडारा के साथ पुण्यतिथि के कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस संबंध में बाबा बृहस्पति जी महाराज ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। महंत थे इस स्थान के बाबा रामगिरी महाराज, जिनके नाम से ये आश्रम है, आश्रम का नाम रामगिरी नागा आश्रम है। उनके ब्रह्मलीन होने के मतलब शरीर पूरा होने के अवसर पर 24 घंटे का महामंत्र का पाठ होते आ रहा है, 39वां साल है। 8 फरवरी को हर साल भंडारा होता था, इस बार भी होगा, कर रहा हूँ कि वो इसमें आ कर के अपना प्रसाद पाएँ, हरिनाम का आनंद लें। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल के स्थापना के 104 साल पूरा होने पर एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बताया जाता है बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल की स्थापना शनिवार को 104 साल पूरा हो गया। इस मौके पर मिलानी हॉल कमेटी की ओर से एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इधर मिलानी हॉल के सचिव राजू दत्ता ने कार्यक्रम के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। मिलानी क्लब का 104 फाउंडेशन डे है और इसमें आज सुबह क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर शेखर दे उन्होंने क्लब का झंडा फहराया, उसके बाद केक कटिंग हुआ है और उसके बाद मेंबर्स लोग के सामने अपने कुछ वक्तव्य रखे हैं। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप करवा रहे हैं और ये जैसे कि जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल मेडिटिना उनके साथ सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। और चलने से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद। जमशेदपुर स्थित SSP कार्यालय पर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, पैंथर सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। जमशेदपुर स्थित विमेंस कॉलेज में 2 दिवसीय बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस में 28 वर्षीय व्यक्ति ने की आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। झारखंड आवाज जन जन की।